हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। तो बच्चों, आज इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ने वाले हैं नेमिंग वर्ड्स के बारे में, जिन्हें हम नाउंस भी कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी। इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और इनके नाम बताइए। तो चलिए इकट्ठे शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर एक नीले रंग की फोटो है। ये पिक्चर एक बर्ड की है। उसके नीचे एक राउंड ब्राउन कलर का एक टेबल है। उसके नीचे एक बेबी की पिक्चर है। राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर एक स्विंग की फोटो है। उसके नीचे एक लायन बना है और सबसे नीचे है एक चेयर। तो बच्चों, आपको स्क्रीन पर जितनी भी पिक्चर्स दिख रही हैं, उन सब का अपना एक नाम है, जिस नाम से हम उसे बुलाते हैं। बर्ड, टेबल, बेबी, चेयर, लायन एंड स्विंग। तो इसी तरह बच्चों, ऑल पीपल, एनिमल्स, places and things have a name. सभी लोगों के, सभी जानवरों के, सभी स्थानों के और सभी वस्तुओं के अपने नाम होते हैं, वे नाम जिनसे हम उन्हें बुलाते हैं। These naming words are called nouns. और वो नाम जिनसे उन्हें बुलाया जाता है, पुकारा जाता है, वो नाम नाउंस कहलाते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पीपल नेम के बारे में। बच्चों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम उनके प्रॉपर नाम से बुलाते हैं, जैसे तुम्हारी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे। अगर आप स्क्रीन में राइट हैंड साइड में देखें तो कुछ क्लास के बच्चों के नाम लिखे हैं, जैसे तनवीर, कार्तिक, अंशुल, अंकुर, राशिदा, निधा, प्रियंका और कोमल। ये सब तुम्हारी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं और ये उनके अपने नाम हैं, तो ये कहलाते हैं उनके प्रॉपर नेम्स। लेकिन कई बार हम लोगों के पर्टिकुलर या प्रॉपर नेम नहीं जानते, पर जिस व्यवसाय से वे जुड़े होते हैं, जिस प्रोफेशन से वो जुड़े होते हैं, उसके आधार पर उन्हें बुलाते हैं। जैसे फिल्मों में काम करने वाला एक्टर, दांतों का इलाज करने वाला डेंटिस्ट, नृत्य करने वाला डांसर, सर्कस में हंसाने वाला जोकर, गाने गाने वाला सिंगर, खेलने वाला प्लेयर, कपड़े सिलने वाला टेलर और खेती करने वाला फार्मर। ये उनके कॉमन नेम्स हैं। हो सकता है हम उन लोगों को बाय नेम ना जानते हों, लेकिन उस समय हम इन्हें उनके व्यवसाय के आधार पर, उनके प्रोफेशन के आधार पर उनको बुला रहे होते हैं। तो बच्चों, ये तात्पर्य है पीपल नेम से। अब बात करते हैं एनिमल्स की। इसी तरह हम हर एनिमल के नेम के बारे में नहीं जानते होते। कुछ एनिमल्स जिनको हम पालते हैं घरों में, जैसे किसी ने डॉग पाला, किसी ने कैट पाली, किसी के घर में काऊ है, तो सब अपने एनिमल्स का कुछ ना कुछ नाम रखते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन में राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा। ये नाम मैंने कहीं ना कहीं सुने हैं, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ लिख दिया है। एक नाम है शेरी, टॉमी, किटी, जैनी, मिट्टू, लूसी और गोलू। ये वो नाम हैं जो जनरली हम अपने जानवरों के रखते हैं, लेकिन इसके अलावा जानवरों की अपनी कुछ प्रजातियां और कुछ जातियां होती हैं, जैसे एंट, चींटियां, डॉग, कुत्ता, कैट, बिल्ली, काऊ, गाय, लायन, शेर,
टाइगर, चीता, फ्रॉग, मेंढक आदि, ये भी इन सब के नाम हैं। एंड डॉग, कैट, काउ, लायन, टाइगर, फ्रॉग, ये सब उनके कॉमन नाम हैं। जबकि शेरी, टॉमी, किट्टी, जेनी, मिट्टू, लूसी, गोलू, इसके अलावा आप जो भी नाम रखते हैं वो सब उनके प्रॉपर नाम हैं। इसके बाद बात करते हैं प्लेसेस की। वो जगह जहाँ पर हम अधिकतर घूमने के लिए जाते हैं, या जहाँ पर शॉपिंग करने के लिए, या जहाँ हमारे रिश्तेदार रहते हैं, उन जगहों पर हम जाते हैं। तो इसमें कुछ तो प्लेसेस के अपने नाम हैं, जैसे दिल्ली, देहरादून, विकास नगर, कुंजा, सहारनपुर, इंडिया, अमेरिका। इंडिया और अमेरिका अलग अलग कंट्रीज़ हैं, जबकि दिल्ली एक अलग यूनियन टेरिटरी है और देहरादून एक डिस्ट्रिक्ट है, विकास नगर सिटी और कुंजा विलेज है। इस तरीके से अलग अलग जगहों के नाम हैं। इसके अलावा अगर हम पार्क में जाते हैं, जो कि आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है, पार्क में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, मार्केट में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, सिनेमा हॉल, गार्डन, तो ये भी जगहों के नाम हैं। ठीक है, तो इन सबको प्लेसेस के नेम में इंक्लूड किया जाता है। उस जगह का अपना पर्टिकुलर नाम और वो जगह कहाँ पर है उस जगह का नाम, ये दोनों ही प्लेसेस के नाम में आते हैं। उसके बाद आती हैं थिंग्स, वस्तुएं, वे वस्तुएं जो हम अपने आसपास देखते हैं, जो नॉन लिविंग होती हैं, जो चल फिर नहीं सकती, जिनमें जान नहीं होती और जिन्हें मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, जैसे टेबल, चेयर, जग, बैग, बॉटल, बैट एंड बॉल, ये सब वस्तुएं हैं। तो बच्चों, जहाँ जहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम मतलब पीपल, किसी एनिमल का नाम मतलब जानवर, किसी प्लेस का नाम मतलब स्थान, या किसी थिंग का नाम मतलब वस्तु का नाम लिया जाए, वो नाम नाउन कहलाते हैं। तो आप इन स्लाइड्स को आराम से एक बार दोबारा देख लीजिए और इसमें जो काम दिया गया है उसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आगे का डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन, बाय।